हां जी प्यारे बच्चे अज आप 8th क्लास का सैकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जरा फर्स्ट सम है वह है बेटा एक्स माइनस टू इक्वल टू सैवन। इस देखो अपने को दो साइड आदि ने एक लैफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। ए चार गल्ला ध्यान च रखने वाली ने जेडी इधर प्लस की वैल्यू होगी उधर जाके कादी बन जाएगी माइनस दी, माइनस दी उधर जाके कादी बनेगी प्लस दी, मल्टीप्लाई दी उधर जाके कादी बनेगी डिवीजन दी और डिवीजन दी उधर जाके कादी बनेगी मल्टीप्लाई दी। जिवें आपां फर्स्ट सम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का, इधर देखो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है। सैवन उस तरह ही रह जाएगा, माइनस का टू उधर जाके कि कन्वर्ट हो जाएगा प्लस विच, साडे कोले किन्ना आया प्लस टू। हुण देखो एक्स की वैल्यू किन्नी हैगी अपने कोले 9। उम्मीद है बेटे तुहाने फर्स्ट सम है जिहड़ा समझ लिया होना है। हुण इस तों बाद आपां इसदा एक सैकंड सम करके देखदे आ, उह है अपने कोले 22 प्लस 3 इक्वल टू 10। देखो बच्चे इधर वाई उसे तरह ही, 10 उसे तरह ही, प्लस का 3 उधर जाके कादा बन जाएगा बेटा माइनस का, तो साडे कोले वाई की वैल्यू किन्नी आ जाएगी 7। इस तरह है सामने जिहड़े आपां ने करने ने, देखो माइनस उधर जाके प्लस का होया, इस दे विच प्लस उधर जाके अपने कोले माइनस का होया। हां जी बच्चे हुण अपने कोले इसका थर्ड सम आंदा है। इधर वेरिएबल है जिहड़ा अपने कोले राइट हैंड साइड ते है, इहनू आपां चेंज कर सकते हैं। इधर की है 6 उसे तरह ही, प्लस का 2 इधर जाके हुण कादा बन जाएगा माइनस का। जेड वेरिएबल अपने कोले राइट हैंड साइड ते ही रखे है, तो 6 से 2 कटे अपने कोले किन्ना आंदा है 4, तो जेड की वैल्यू बेटे अपने कोले किन्नी आ गई 4। जां आपां इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 4। एसी बेटे इसका थर्ड सम। हुण बेटे फोर्थ सम है वह है अपने कोले फ्रैक्शन दे विच 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। हुण देखो उसे तरह ही एक्स वेरिएबल उसे तरह ही रखिया, 17/7 उसे तरह ही रखिया, ए 3/7 का रहेगा प्लस का, देखो इतने प्लस इनविजिबल है, यह उधर जाके कादा बन जाएगा अपने कोले माइनस का। देखो डिनोमिनेटर सेम ने, तो 7 उसे तरह ही, 17 दे विच जो आप 3 नू माइनस कर देंगे बेटे कि आया अपने कोले 14, 7-1 जा 7, 7-2 जा 14, तो बेटे एक्स की वैल्यू अपने कोले कितनी आ गई 2। हां जी बच्चे हुण अपने कोले फिफ्थ सम है, इहदे विच देखो 6 है जिहड़ा वेरिएबल एक्स नाल मल्टीप्लाई होया होया है। मैं तुहानू दस्सिया सी मल्टीप्लाई उधर जाके किहदे विच चेंज हो जांदा है डिवीजन दे विच। हुण तुसीं देखो एक्स उसे तरह रखिया, 12 उसे तरह रखिया, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई सी इधर आके कादा बन जूगा डिवीजन दे विच चला जाऊगा, तो 6 1 6, 6 2 12, तो अपने कोले एक्स की वैल्यू बेटे किन्नी आ गई 2। हुण इसका 6th पार्ट वाला सम आप कर रहे हां। इधर अपने कोले इस दे विच है 3/5 इक्वल टू 10। हुण देखो 5 इधर डिवीजन दे विच है, अपने पढ़िया सी वी जिहड़ा डिवीजन हुंदा है उधर जाके कादा बन जांदा है मल्टीप्लाई दा, तो टी उसे तरह ही इक्वल टू 10, क्योंकि 5 इधर इहनू डिवाइड कर रहा सी, इधर जाके की हो गया मल्टीप्लाई, तो टी दी वैल्यू बेटे किन्नी आ गई अपने कोले 50। हां जी बच्चे हुण अपने कोले 7th सम आंदा इसका। देखो बेटे 2/3 एक्स नाल मल्टीप्लाई होया होया है, तो आपां एक्स उसे तरह ही लिख लिया 18, क्योंकि 2/3 है उधर जाके उल्ट जूगा तो किन्ना बन जूगा 3/2, 2 1 2, 2 9 18, तो अपने कोले एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई बेटे 27। यह सम इत्थे कंप्लीट हुंदा। इस तों बाद बेटे 8th सम आंदा है, इत्थे है 1.6 इक्वल टू y/1.5। देखो नीचे डिवीजन है, इनू आपां की करांगे मल्टीप्लाई करांगे, इहदे नीचे 1 है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 नू y नाल मल्टीप्लाई करिया y, 1.6 नू किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे बेटे 1.5 नाल। जदों इसनू मल्टीप्लाई करांगे बेटे अपने कोल आ जांदा है 240, क्योंकि 2 डेसीमल तक है तो 2 डेसीमल तक लगा लांगे, तो साडा आंसर किन्ना गया y=2.40। हां जी बच्चे हुण अपना 9th सम है 7x-9=16, 7x ओमी लिखता 16 ओमी लिखता, माइनस द 9 उधर जाके अपने कोले कादा बन गया प्लस दा, ता 7x=16 च 9 ऐड करांगे बेटे अपने कोले किन्ना आ जूगा 25, ता एक्स दी वैल्यू बेटे किन्नी आई 25/7। ए सम बेटा इत्थे अपना कंप्लीट हुंदा है। इसे तरह ही अपने कोले 10th सम आंदा है, वो है 14y-8=30।
13। देखो 14 बाई ओमी है, 13 उस तरह ही माइनस का 8 बेटा उधर जाके कहदा बन जाएगा प्लस का, जो 13 दे विच आपां 8 ऐड करते हैं तो साढ़े कोले कितना आ जाएगा बेटा 21। तो वाई की वैल्यू बेटा कितनी आई अपने कोले 21 ओवर 14, जो कि 7 दे टेबल दे उपर अपने कोले कट सकदा है। 7 2 14, 7 3 21, तो वाई की वैल्यू बेटा कितनी आई अपने कोले 3 ओवर 2। हां जी बच्चे हुण अपना 11th सम है, इस दे विच देखो 6 पी उस तरह ही रखा हुआ 9 प्लस दा 17 उधर जाके कहदा बन गया अपने कोले माइनस दा, तो 6 पी दी वैल्यू कितनी है हुण देखो 9 माइनस 17, एक तरीके ना 17 दे विचों पहला आपां 9 नो माइनस करते हैं तो कितना आ गया 8, ते सिंबल केड़ा दा लगना है माइनस दा, तो पी दी वैल्यू बेटे कितनी आई माइनस 8 ओवर 6, जो कि अपने कोले 2 दे टेबल ते डिविजिबल है, 2 3 6, 2 4 8, देन पी दी वैल्यू अपने कोले कितनी आई माइनस 4 ओवर 3। हां जी बेटे हुण अपने कोले 12th सम है, इस दे विच देखो एक्स ओवर 3 नूं आपां उसे तरह ही रखदे हां, 7 ओवर 15 उसे तरह ही, और प्लस दा 1 उधर जाके बेटे कहदा हो गया माइनस दा, इस नूं बाय एलसीएम आपां नूं सोल्व करना पऊगा, तो इस दे नीचे कितना लगावांगे 1, 15 और 1 दा एलसीएम अपने कोले कितना आंदा है 15 आंदा है। सिंपल तरीके नाल जे समझिए तो आप बटरफ्लाई मैथड भी अपलाई कर सकते हैं, 15 नूं पहला किस दे नाल मल्टीप्लाई करांगे 1 दे नाल, और फिर 7 किस दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं 1 दे नाल, माइनस 1 नूं किस नाल मल्टीप्लाई करांगे 15 दे नाल, तां अपने कोले कितना आया एक्स ओवर 3 इक्वल टू 7 माइनस 15 ओवर 15। हुण देखो 7 माइनस 15 किन्ना हुंदा अपने कोले -8 ओवर 15। हुण देखो एक्स ओवर 3 दी वैल्यू अपने कोले किन्नी आई -8 ओवर 15। हुण जे अपने एक्स कढ़ना है, क्योंकि एक्स 3 नाल डिवाइड होया हुआ है, अपने पढ़िया सी भी जेड़ा डिवाइड हुंदा उधर जाके की होया जांदा अपने कोले मल्टीप्लाई होया जांदा है, तो एक्स इक्वल टू -8 ओवर 15 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 ओवर 1 कह सकते हैं। हुण देखो ये कटदा है 3 1 3 3 5 15, तो साडे कोल एक्स की वैल्यू कितनी आंदी है बेटे -8 ओवर 5। बेटे ए सी अपने कोले एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 दी, उम्मीद है तुसी इस नूं समझ गए होंगे, इस दे हरेक सवाल नूं तुसी आप करके देखना, वध तों वध ट्राई करना, ताकि आउण वाली एक्सरसाइज नूं आपां नूं समझना होर आसान होवे। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।